हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? साल की खास पूर्णिमा आ रही है। सबसे बड़ी पूर्णिमा देखी जाए तो राखी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के बाद बहुत ही खास मानी गई है। राखी पूर्णिमा इसे श्रावणी पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा, नारली पूर्णिमा आदि नामों से भी जाना जाता है और सावन का समापन इसी दिन होता है तो इसे श्रावणी भी कहते हैं। और इसी दिन रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन यानी रक्षा के लिए प्रतिबद्धता, जिसमें एक दूसरे की कलाई पर सूत्र बांधा जाता है, जिसे राखी कहते हैं। कच्चे सूत का ये बंधन हमारी अटूट परंपराओं का प्रतीक है। यह सूत्र कोई भी बांध सकता है, किसी को, गुरु शिष्य को, ब्राह्मण अपने जजमान को, बहनें अपने भाई को विशेष रूप से बांधती है। और इस दिन भाई फिर अपनी बहन की रक्षा का विशेष दायित्व उठाता है। अतः यह पर्व भाई बहन के विशेष त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाई बहन, कहते हैं कि रक्षाबंधन पर्व का प्रारंभ इंद्र की पत्नी शची यानी कि इंद्राणी के द्वारा इंद्रदेव को रक्षा सूत्र बांधने से हुआ था। कालांतर में 12 साल तक देवासुर संग्राम चला था, जिसमें देवगण हारने लगे और शची ने इंद्र की रक्षा और विजय हेतु कच्चे सूत से बना रक्षा सूत्र विधिवत स्वस्ति वचन और पूजन करके रक्षा सूत्र इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांधा था, जिससे इंद्र देवासुर संग्राम में विजयी हुए। रक्षाबंधन के विशेष पूजन और उपाय से रिश्तों में मिठास आती है, मनोविकार दूर होते हैं, धन का आगमन होता है, सेहत की सुरक्षा होती है और घर से सूंड जिमाते हैं। सूंड मतलब शगुन इस दिन मांडते हैं दीवारों पर अपने घर के मुख्य द्वार पर, फिर उसे जो शगुन का भोजन बनाया जाता है उससे आप उसको जिमाते हैं यानी उसे खिलाते हैं। और इससे हमारे घर से जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सदा के लिए दूर होती है। दोस्तों, भाई बहन का त्यौहार है और भाई बहन पूरे साल भर बेसब्री से इसका इंतज़ार करते हैं। कभी तकरार और कभी दूसरे पल प्यार, ये होता है सच्चा भाई बहन का रिश्ता, सबसे पवित्र रिश्ता इस पृथ्वी पर। और बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए, प्रॉपर तरीके से करना चाहिए ताकि इस खूबसूरत रिश्ते की डोर और मजबूत हो सके। और शुभ मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए। श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को बहनें इस दिन उपवास रख करके भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है। इसलिए भाई का भी कर्तव्य है कि वो अपनी बहन के प्यार का सम्मान करे और खुद भी तब तक उपवास रखे ताकि बहन उसकी कलाई पर राखी जब बांधे फिर दोनों भाई बहन एक साथ भोजन कर सके। दोस्तों, हर बहन को बहन चाहती है कि उसका भाई उसकी हर मुश्किल में परिस्थिति में सुरक्षा कवच की तरह खड़ा रहे, उसकी बातों को समझे और एक दूसरे के दुख की घड़ी में सच्चे साथी बने। मैं हमेशा मानती हूँ कि भाई एक दोस्त होता है जो भगवान ने हमें ऐसे ही गिफ्ट किया है, तो इसलिए हमेशा अपने भाई बहन एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और द्रौपदी ने भी भगवान श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधा था। शास्त्रों में बात आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी द्रौपदी ने जो उनको राखी बांधी थी उसकी लाज भरी सभा में बचा करके, निर्वस्त्र होने से बचा कर अपने भाई के धर्म को पूर्ण किया था। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी छोटी छोटी पौराणिक कथाएं, लेकिन बात कर लेते कि आ कब रही है ये पूर्णिमा। तो इस बार श्रावणी पूर्णिमा 11 और 12 अगस्त दोनों दिन पड़ रही है, जिसके वजह से कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं कि कब मनानी है राखी पूर्णिमा। तो नहीं कंफ्यूज होना है, आपको बताऊंगी किस प्रकार से क्या क्या संयोग है, क्या स्थिति है और उसी हिसाब से आपको 12 तारीख को राखी पूर्णिमा यानी राखी का त्यौहार मनाना चाहिए। बाकी पूर्णिमा तिथि आप 11 को भी मान सकते हैं, जो पूर्णिमा के चंद्रमा का भोग आदि, पूजन आदि, मेडिटेशन आदि करते हैं। नाइट का जो काम है, रात्रि की जो पूर्णिमा है वो 11 को मनाई जाएगी, लेकिन राखी बांधने के लिए 12 तारीख का दिन सबसे शुभ रहने वाला है। सावन पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 11 अगस्त को सुबह 10:38 से, समापन होगी पूर्णिमा तिथि की 12 अगस्त को शुक्रवार के दिन सुबह 7:06 पर। और रवि योग आ रहा है रक्षाबंधन पर, बहुत सारे इस बार शुभ योग आ रहे हैं। एक रवि योग आ रहा है, एक अभिजीत मुहूर्त और अमृत काल तो होता ही है। तो रवि योग सुबह 6:07 से 6:53 तक रहने वाला है। कोई लोग अगर चाहें तो इस दिन सुबह सुबह सून आदि जिमा करके आप अपना त्यौहार इतनी अर्ली मॉर्निंग मनाना चाहे तो मना सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त भी है दोपहर को 12:08 से लेकर 12:59 तक। इसके बाद शाम को 6:55 से 8:20 तक शुभ मुहूर्त यानी अमृत काल माना जाता है।
तो जो लोग भी नहीं मानते हैं शगुन या भद्रा, खाली एक फॉर्मेलिटी करते हैं राखी बांधने के लिए, वो चाहे तो 11 तारीख को इन मुहूर्तों में राखी बांध सकते हैं। बाकी जो लोग भी 12 तारीख को राखी बांधेंगे, पूरा दिन शुभ है, कोई भद्रा काल नहीं है, इसलिए उस दिन आप 12 तारीख को पूरे दिन राखी बांध सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों कि एक बात है कि बहनों को भद्रा काल में भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। इस मुहूर्त में पूजा नहीं की जाती है, जहां पर विशेष रूप से सूंड जिमाते हैं, मांडते हैं, उन्हें भद्रा विचार अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि रावण का अंत इसीलिए हुआ था क्योंकि उसने अपनी बहन से भद्रा काल में राखी बंधवाई थी, जिसके कारण एक साल के अंदर ही रावण का अंत हो गया था। इसलिए कहा जाता है कोई भी बहन अपने भाई को भद्रा में राखी नहीं बांधती है। अब लोग कंफ्यूज होते हैं भद्रा है क्या आखिर, तो पुराणों में भद्रा की कथा ऐसी आती है कि भद्रा सूर्य देव की पुत्री कहाई है और शनि देव की बहन है। जैसे शनि देव हैं कड़े हैं, कठोर हैं, सख्त हैं, इसी तरह से भद्रा भी बहुत कड़क मिजाज थी, काफ़ी क्रोधी थी और इनके स्वभाव को काबू करने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें पंचांग में विष्टिकरण के रूप में जगह दी। अब भद्रा देवी एक समय पूरे संसार को अपना निवाला बनाने लगी थी, इसी वजह से वह सब कार्यों में बाधा डालने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया और सातवें विष्टिकरण के रूप में जगह दी और भद्रा का तीनों लोकों में वास किया। ये हर समय तीनों लोकों में विचरण करती रहती है, जहाँ जिस लोक में भद्रा होती है उस समय उस लोक में शुभ काम नहीं किए जाते। इसलिए कहा गया है कि भद्रा काल में किए गए काम का परिणाम शुभ नहीं होता। और रक्षाबंधन पर विशेष रूप से भद्रा का पृथ्वी पर निवास रहेगा, इसलिए भद्रा के समय रक्षाबंधन का पर्व मनाना शुभ नहीं होता है। 11 अगस्त को भद्रा कब लगेगी ये ध्यान रख लें, तो सुबह पूर्णिमा जब प्रारंभ हो रही है 10:38 पर, उसी समय से भद्रा तिथि लग जाएगी और रात को 8:51 तक रहने वाली, यानी पूरा दिन भद्रा रहेगी। भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फागुनी तथा, यानी रक्षाबंधन और होलिका दहन ये भद्रा में नहीं करने चाहिए। इवन व्रतराज में स्मृति कौस्तुभ ग्रंथ में कहा गया है पूर्णिमास्याम दिनोदय, यानी उदय व्यापनी पूर्णिमा ग्रहण करना चाहिए, ये स्पष्ट मत है। इसलिए उदया तिथि में शुक्रवार को 12 अगस्त को ही पूर्णिमा आ रही है, और ऐसा नहीं कि पूर्णिमा सुबह 7:06 पर पूर्ण हो रही है तो उसके बाद नहीं किया जा सकता। उदया तिथि में पूर्णिमा होने पर संपूर्ण दिवस को पूर्णिमा ही मानी गई है, और इस दिन भद्रा भी नहीं है। इसलिए होली और रक्षाबंधन का कार्य क्या है, प्रत्येक कार्य में भद्रा निषेध बताया गया है, तो आपको जो लोग भी सून मांडना चाहते हैं वो सुबह 11 तारीख को 10:38 के पहले आप बना लीजिए सून, और नहीं तो फिर आप शुक्रवार के दिन 12 अगस्त को ही सून मांड करके आपको जिमाना चाहिए। दोस्तों इस दिन तैयारियां जो करती है बहनें वो काफ़ी पहले से करने लगती है, और खूबसूरत राखी अपने भाई के लिए आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। इसके बारे में अलग बात करूंगी मैं कि कौन सी राखी शुभ रहती है। विशेष रूप से अगर रुद्राक्ष की राखी, सावन का महीना है तो आप रुद्राक्ष की राखी अपने भाई को पहना सकती हैं, जो कि वो आजीवन पहन सकते हैं। 1.25 लाख सिद्धि से जप करके अपने भाई की जो राशि है उसके अनुसार आप उन्हें राखी पहना सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा उसके लिए शुभ रहने वाला है। या फिर नॉर्मल कोई भी रेशम का धागा आप ले करके उसे पवित्रता से अच्छे भाव के साथ अपने भाई की कलाई पर बांधें, ये भी चमत्कारी होता है। दोस्तों सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के आपको कुछ बनाना चाहिए अपने हाथों से अपने भाई के लिए। चाहे आप बाज़ार से 100 चीज़ें मंगा लें, लेकिन अपने भाई के लिए अगर अपने हाथ से आप थोड़ी सी भी चीज़ बनाते हैं तो उससे भाई बहुत प्रसन्न होते हैं। और अपनी पूजा की थाल को सजाना चाहिए। पूजा थाली में क्या क्या रखना चाहिए, कुमकुम, अष्टगंध, अक्षत, नारियल, रक्षा सूत्र, मिठाई, दीपक, जल का छोटा सा कलश, अपने भाई की आरती उतारने के लिए एक दिया और बाती, और साथ में थोड़ा सा कपूर, एक टुकड़ा फिटकरी, कुछ नींबू आपको रखने हैं। इस बार मैं विशेष रूप से नींबू से उपाय कराऊंगी, तो नींबू आप ज़रूर रख लें। और इसके बाद आपको अपने भाई के पास जाना चाहिए। अगर दूर बैठी हैं आप, दूसरे घर पे रहती हैं, शादीशुदा हैं, मायके जाएंगी, तो हमेशा ध्यान रखने अपने घर में, अपने मायके में एंटर करने के पहले आपको घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक चिन्ह अवश्य बनाना चाहिए, और जो दहलीज है उस पे एक तिलक, एक चुटकी आप कुमकुम चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए। इसके बाद आपको दहलीज में दाहिने पांव से प्रवेश करना चाहिए, इससे आपके माता पिता के घर पे अगर कष्ट आ रहे हैं तो वो दूर होते हैं। दोस्तों इस समय ध्यान रखना चाहिए, कोई भी शुभ स्थान आप चयन करें जहां पर आप भाई के साथ बैठ करके शांतिपूर्ण तरीके से पूरे परिवार सहित राखी बांध सकें।
भाई का मुख पूरब की ओर और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और बहन सभी कार्य करने से पहले आरती का दीपक प्रज्वलित करती है तो कहते हैं कि आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा उसमें जलकर ऐसे ही खाक हो जाती है। इसके बाद भाई का पूजन करना शुरू करें। कुमकुम का तिलक लगाइए और तिलक मान सम्मान का प्रतीक है। तिलक लगाकर भाई के प्रति सम्मान प्रकट करती है बहन और भाई के माथे पर तिलक लगाते हुए आपको ऐसे भाव होने चाहिए कि मेरे भाई की उम्र लंबी हो। इसके बाद तिलक के ऊपर चावल लगाएं। दोस्तों चावल शुक्र ग्रह से संबंधित होता है और जब आप ये लगाते हैं तो आप ये कामना करते हैं कि मेरे भाई के जीवन में सुख समृद्धि भौतिक सुख सुविधाओं की उसको प्राप्ति हो, लग्जरीज उसको जीवन में मिले, सारे सुख धन का, पैसे का, व्यापार का, नौकरी का, सभी सुख उसको प्राप्त हो। कुमकुम और चावल का तिलक करने के बाद अपने भाई को सर्वप्रथम नारियल देना चाहिए। नारियल जिसे श्रीफल कहा गया है, श्री का भाव यानी लक्ष्मी का भाव है और ये फल देते हुए बहन को ये कामना करनी चाहिए कि मेरे भाई के जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे, लगातार उन्नति करता रहे। इसके बाद रक्षा सूत्र बांधे। कहते हैं रक्षा सूत्र बांधने से, रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधने से त्रिदोष शांत होते हैं। त्रिदोष क्या होते हैं? वात, पित्त और कफ। इन तीनों का संतुलन हमारे शरीर में बना रहता है। इवन वैज्ञानिकों ने माना है कि रक्षा सूत्र का धागा बांधने से कलाई की नसों पर दबाव बनता है जिससे ये तीनों दोष नियंत्रित रहते हैं। इससे ना केवल आपके भाई के जीवन में शुभता आती है, रक्षा होती है, हेल्थ वाइज भी देखें तो आपके भाई की सुरक्षा होती है। जब भी रक्षा धागा बांधते हैं आप रक्षा सूत्र, तो ध्यान रखना चाहिए उस पर तीन गांठ लगानी चाहिए। तीन गांठ यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का संबंध इससे माना गया है। पहली गांठ भाई की लंबी आयु के लिए, दूसरी गांठ स्वयं की लंबी आयु के लिए और तीसरी गांठ भाई बहन के रिश्ते में मिठास लाने के लिए, इसे सुरक्षित रखने के लिए। इसलिए हमेशा तीन गांठें लगाएं और साथ साथ मंत्र बोल सकते हैं तो बोलिए, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम रक्ष बदनामी रक्षे मा चल मा चलह। इस प्रकार से बोल करके भाई के हाथों में राखी बांधनी चाहिए, मिठाई खिलाइए, अपना भी मुंह मीठा कीजिए और दोनों के रिश्तों में इससे मिठास आती है। और फिर थोड़ा सा जल कलश से लेकर अपने भाई को पिलाएं, आप चाहे तो ग्लास भी रख सकते हैं। इसी कलश में सभी देवी देवता पवित्र तीर्थों का वास माना गया है और आपके जीवन में सुख और स्नेह भरा रहेगा, सभी परेशानियां आपके रिश्ते से दूर रहने वाली है। इसके बाद भाई की आरती उतारें और इसके बाद जो भी भोग है वो आप सभी लोग बाँट सकते हैं। अब जो नींबू आपने रखे हैं, नींबू के साथ साथ आपको एक मुट्ठी काली मिर्च और एक मुट्ठी पीली सरसों आप ले लीजिए और नारियल, ये सब की आप एक पोटली बना लीजिए और लेकर के जाइए। और सभी चीज़ें पूरी भाई की पूजा करने के बाद उसके सिर के ऊपर से आपको खड़े हो जाना है। भाई बैठ करके जब राखी बांधी आपने, इसके बाद खड़े हो जाइए और अपने भाई के सिर से 7 बार उल्टी दिशा में घुमा दीजिए। और जब आप वापस घर के बाहर जाएंगे तो आपको इसको लेते हुए जाना है और रास्ते में कोई बहता हुआ जल स्रोत आए या फिर कोई सुनसान जगह आए वहाँ पे इसको फेंक देना है या गाड़ देना है। आप देखेंगे आपके भाई की हर समस्या, नौकरी हो, व्यापार हो, स्वास्थ्य हो, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में असफलता मिल रही है, किसी ने कुछ कर दिया है, मारपीट करता हो, हर किसी से लड़ाई झगड़े करता हो, बुरे लाइन पे चला गया हो, ड्रग्स आदि में पड़ गया, नशे में पड़ गया, उसे हर कार्य में सफलता मिलेगी, सारी नकारात्मकता दूर होगी। इस प्रकार से रक्षाबंधन बिना कलेश किए, बिना दिल में कोई हार्ड फीलिंग्स रखे इस बार मनाइए। कनेक्टेड रहिए, एक से एक उपाय बताने वाली हूँ और भाई बहन में जो भी बड़ा हो, सारी पूजा करने के बाद आपको आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए और एक दूसरे का आशीर्वाद लेकर के, प्यार लेकर के उठें। माता पिता, बड़े बुजुर्ग, दादा दादी सभी का आशीर्वाद लें और इस पावन त्यौहार को और पवित्र बनाएं। तो दोस्तों कर लीजिए उपाय, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, कुछ करें ना करें, कैसे शुरुआत करनी है, क्या करना है, सभी मैंने तरीके से बता दिया किस तारीख को मनानी है, तो कोई कन्फ्यूजन दिमाग में ना रखें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी राखी पूर्णिमा।